सर ये किस खजाने की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है अमीर चंद, ना कुछ चिल्लर छोड़ गया इनके लिए, बस उसी के बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ अब देर मत करो, इससे पहले अमीर चंद का भूत आकर हम सबको धोबी की तरह धो डाले, मुझे मेरा हिस्सा दो, दफा करो। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मैं? अच्छा, इतनी जल्दी मेरी आवाज भी पहचाननी बंद कर दी। अबे मैं हूँ अमीर चंद। अमीर चंद जी, आप यहाँ क्या लेने आए हो? अच्छा, मुझे जिंदा जलाकर मेरे हिस्से का माल अकेले हड़प करना चाहते थे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम सबको मार के आपको क्या मिल जाएगा? है तो फिर दरवाजा खोलो। माफ करना मीरचंद जी, लेकिन मरे हुओं का जिंदों में क्या काम? अरे मेरे कपड़े तो धो दो, मैं कई दिनों से इन्हीं कपड़ों में घूम रहा हूँ। अरे भाई, भूतों को कपड़े बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी है? अबे मैं भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप चिंता मत कीजिए अमीरचंद जी, हम आपको खाना वहीं भी खा देंगे। अच्छा, जीते जी तो मुझे जिंदा जला दिया, अब मरने के बाद क्या दोगे? मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अबे साहब साहब बोल, क्या बोलना चाहता तू? तुम सबका खून पीना चाहता हूँ। खून? सेठ जी, हम सबका खून तो कड़वा हो गया है, अब बोलो तो जूस भिजवा दें। अच्छा, खून की जगह अगर जूस पिलाना चाहते हो तो श्रापत से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना मेरी आत्मा यूं ही फड़फड़ाती रहेगी। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए अमीरचंद कि हम आपकी आत्मा की शांति के लिए आपका हिस्सा कब और कहां लेकर आए। तो फिर ठीक है, कल दोपहर ठीक 12 बजे सारा खजाना लेकर शमशान घाट आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा और अपना हिस्सा निकाल कर बाकी का हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, मेरी आत्मा फड़फड़ाती रहेगी और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बापू, ये लोग बहुत चालाक हैं, कहते कुछ है और करते कुछ और है। कोई बात नहीं बेटा, अगर इन सब ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस सारे खजाने को नष्ट कर दूंगा और एक एक कर सबको खा जाऊंगा। कड़क कड़क कड़क। अब फैसला इनके हाथ में है कि क्या करना है। आप चिंता मत करिए अमीरचंद जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब खजाना लेकर कल शमशान घाट पहुंच जाएंगे। आप सब क्यों नहीं कहते? हाँ, हम वादा करते हैं कि हम खजाना लेकर वहीं सही समय पर पहुंच जाएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना ठीक 12 बजे शमशान घाट। अरे हम तो जिंदा हैं। अरे खड़ा हो जा पहलवान, पहलवान असा के बिल्कुल ही मर गया। अरे जान बच गए, वो तो बड़ा खतरनाक भूत था, उसने तो हमारा ताबीज भी खा लिया। तू चिंता मत कर पहलवान, वो ताबीज खाकर उसने अपनी मौत को दावत दी है। वो ताबीज उसके पेट में बम की तरह फटेगा, अब उसे कोई नहीं बचा सकता पहलवान, कोई नहीं बचा सकता। अबे मरे को कौन मार सकता है? ये वो आ गया, आ गया। चुप जा चुप जा चुप जा चुप जा। Yeah, 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 y
क्या हुआ? सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सबको सांप सूंघ गया है क्या? तुम्हारे बापू ने कुछ छोड़ा है बोलने लायक? देखा कैसे धमकी देकर गया था कि खजाना लेकर शमशान घाट पहुंच जाना, वो खुद ही बंटवारा करेंगे। अगर उसने ऐसा बोला है छोटी मालकिन, तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। श्यामू सही कहते हैं मालकिन, मरने के बाद उसने बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, उसने तो हमारा सच्चा ताबीज भी खा लिया। लेकिन उससे बचने का कोई तो उपाय होगा, मैं तो डर के मारे कल से कहीं बाहर भी नहीं निकला। सिर्फ एक तरीका है उस आत्मा से बचने का, फटफट बाबा की शरण में चलो। उन्होंने कहा है अगर दुष्ट आत्मा ने ज्यादा उत्पात मचाया तो उसे वो वही भस्म कर देंगे। हाँ हाँ, बाप का माल समझ रखा है ना मेरे बापू को, जो भस्म कर देंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए मेरे बापू को कौन भस्म करता है। तुम चुप करो, क्यों बेमौत मरना चाहती हो और हमें भी मरना चाहती हो? तुम्हें समझ नहीं आता, मुर्दों का जिंदों से कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हारा बापू एक दिन तुम्हें भी मार के अपने साथ ही ले जाएगा। क्या? हाँ, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस काम में हमारा साथ दो और अपना हिस्सा लेकर पूरी जिंदगी ऐश करो। ठीक है, तुम कुछ भी करो, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए बस। हाँ, अब आए ना गाड़ी लाइन पर। मैं तो कहता हूँ कि आज रात को फटफट बाबा के पास चलते हैं। अभी नहीं, अभी रात बहुत हो गई है, कल सुबह। तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ और आराम करो, जाओ। चलो दिनू। श्यामू, सूरज को भी गेस्ट हाउस छोड़ दो, आराम कर लेंगे। आइए साहब। आ लाल सिंह। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर करूं तो करूं क्या। मीरचंद का बच्चा मरने के बाद हमें और उलझा कर चला गया। मेरी मानो तो आप कल सुबह होते ही फटफट बाबा के पास चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है वो हमें अमीर चंद के भूत से जरूर छुटकारा दिला देंगे। लेकिन लेकिन उसकी बेटी, उससे कौन निपटेगा? बस एक बार मैं इस आफत से निपट लूं, उसके बाद मैं उसकी बेटी से भी निपट लूंगा। वो इतनी जल्दी कदम नहीं हिलाएगी अपने। वो तो अपने बाप का और अपना हिस्सा लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है इस घर में। तुम्हें क्या लगता है कुसुम, मैं वो खजाना उन्हें इतनी आसानी से दे दूंगा जिसे पाने के लिए मैंने लोहे के चने चबाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैं उन्हें खजाना तो दूंगा कुसुम, लेकिन परतने के लिए जिंदगी नहीं दूंगा। हे फटफट बाबा, बस कैसे भी करके इस अमीर चंद के भूत से छुटकारा दिला दो। धोखा है, सब धोखा है, सब फंसेंगे, सबके सब फंसेंगे, अपने बुने हुए जाल में एक न एक दिन सब फंसेंगे।